with nails on their boots for audio effect and an impressive hand swing their style of parade is different from the french troops <laughs> सारे जहां से अच्छा है, हिंदुस्तान इस दफा इंडियन जो अफवाज के जो दस्ते थे वो भी इसमें मौजूद थे अब मैं जो जो सिग्निफिकेंट बातें जो, बाते जो इसमें एक सौ तो ये एनिवर्सरी है भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप की भारत के तीनों के तीनों जो है वो एयरफोर्स नेवी और उसके बाद जो उनकी आर्मी है वो तीनों की तीनों वहां पे परेड में शामिल है आज सो so ये आप इमेजिन कर ले कितना बड़ा जो इवेंट है और इस वक्त इंडिया की कितनी और जिसे हमारी पंजाबी में कहते हैं ना बल्ले बल्ले पेरिस में हो गई बल्ले बल्ले फ्रांस में हो गई कि पूरे फ्रांस को पता चल गया कि वे डू इंडियन स्टैंड उसमें हमने देखा कि जो एमिन ने भी कहा है है कि कि हमारे लिए की बात है कि जो सौ चालीस करोड़ इंडियंस को दिया मुझे नहीं दिया जय हिंद दोस्तों टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल फ्रांस के नेशनल डे पर शुक्रवार को भारत की तीनों सेनाओं ने फ्रांस की सेनाओं के साथ दोस्ती वाला कदम ताल किया पेरिस के आसमान में हुए फ्लाई पास में भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों को देखकर कर मैक्रो और मोदी दोनों गर्व से भर गए मैक्रो ने भारतीय सेनाओं की तारीफ की और नेशनल डे के जश्न को भारत और फ्रांस की दोस्ती के जश्न की तरह सेलिब्रेट किया फ्रांस की नेशनल डे परेड में प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमान मैक्रोन एक साथ दिखे 25 साल से दोनों देशों के बीच मजबूत दोस्ती और साझेदारी है जो दिनों दिन और बेहतर होती जा रही है पेरिस से नई दिल्ली के बीच करीब 6000 किलोमीटर की दूरी है पर रिश्तों में दूरी ना के बराबर है हर मुश्किल में भारत फ्रांस एक दूसरे के साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं फिर चाहे मामला कूटनीतिक हो डिफेंस से जुड़ा हो या आतंक के खिलाफ हो पूरा यूरोप भारतीय सेना की कदम ताल का मुरीद हो गया और यह कहने को मजबूर हो गया कि भारतीय सेना की परेड फ्रांस की सेना से बिल्कुल अलग है और जोश से भरी हुई है वहां से लेकर आज अगर उनकी एक दर्जन से ज्यादा ने सिविलियन सिर्डरी तो ट्रेवल है नफरत करते रहे लेकिन ये दुनिया के अंदर एक, एक, एक रैकेट बन रहा है तारीख बन रही है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते चाहे जितना मर्जी आप उसमें बात कर ले कोई ऐसी बड़ी बात आप उससे आगे जो जो चीजें मैं हिस्टोरिकली बताना चाहूंगा आपको के फ्रांस के साथ जो रिलेशनशिप भारत के वो नए नहीं है जब यूनाइटेड भारत था तो उस वक्त दो जंगों के अंदर जो थे वो हमारे भारतीय जो सोल्जर थे उस वक्त के यूनाइटेड भारत के उन्नीस 19, सितंबर 1915 में 900 सौ सिख जो थे वो शहीद हुए थे फ्रांस में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी जाते थे अब मैं जो 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 सिग्निफिकेंट बातें जो इसमें एक तो 25वीं ये एनिवर्सरी है और भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप की भारत के तीनों के तीनों जो है वो एयरफोर्स नेवी और उसके बाद जो उनकी आर्मी है वो तीनों की तीनों वहां पे परेड में शामिल है आज उसके उसके हवाले से मैं ये बताना चाहूंगा पंजाब रेजिमेंट जाके वहां पे परेड कर रही है नेवी का एक शिप चन्नाए वहां पे जो है वो लंगर अंदाज होगा और उसके बाद एयरफोर्स के तीन भारतीय एयरफोर्स के तीन राइफल तैयार है भारत से स्पेशल गए हैं जो उसके ऊपर से उड़ेंगे अब जो सिग्निफिकेंट बातें जो मैं बताना चाहूंगा कि जो तीनों दस्ते वहां पे परेड करेंगे उनमें से दो लीड कर रही हैं खाती एक का नाम तो बल्कि मैं, मैं उसका आ, जो एक जो उसको लीड कर रही है उसका तो आ, 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 नाम अभी मेरे अमरता है मेरा उसका मैंने उसकी उसके बारे में सुना था मैंने उन तीनों के इंटरव्यू सुने हैं जो तीनों जो वहां पे करेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर भी उससे उड़ेंगे क्योंकि हेलीकॉप्टर जो इंजन थे वो जो भारत में बनते हैं वो फ्रांस से बन के जाते हैं और जो धुन उन्होंने वहां पे वो बजानी है सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा ये उसके वहां पे उनकी धुन होगी अब उसके बाद जो मैं एक और सिग्निफिकेंट बात आपसे शेयर करना चाहूंगा जिसपे मुझे भी इसमें आनर हासिल है कि इस वक्त जो भारत के एम्बेसडर फ्रांस के अंदर है उनका नाम है जावेद अशरफ तो आज से तकरीबन 20-25 साल पहले मैं एक अमेरिकन डेलीगेशन के साथ भारत गया था और मैं मुझे मुझे भी उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल है और बल्कि वहां पे एक इवेंट के अंदर ही वाज अ स्पीकर वो यहाँ इंडिया की एम्बेसी में सर्व कर चुके हैं वॉशिंगटन डीसी में लेकिन मेरी मुलाकात उनकी वहां हुई थी न्यू डेली में और मुझे अभी याद है कि लंच के दौरान मैंने उनसे कई सवाल किए थे जावेद वेरी ब्रिलियंट डिप्लोमैट और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हम उन्होंने अगले दिन एक्सप्लेन किया एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भारत फ्रांस के रिलेशनशिप सिर्फ रैफाल के हद तक नहीं है दे आर लार्जर उसकी मैं बात अब मैं उसके उसके हवाले से बताना चाहूंगा 1998 में जब भारत ने एटमी धमाके किए थे तो भारत जो था आइसोलेट हो चुका था और उसमें फ्रांस ने उनका साथ दिया और उसके बाद मैं यहां पे यह भी बताना चाहूंगा कि यूएस अमेरिका ने यूरेनियम भारत को देने से इनकार किया था लेकिन फ्रांस ने यूरेनियम दिया था यह भी मैं इसकी बात करना चाहूंगा अब इससे आगे मैं चलना चाहूंगा मैं आ, 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 समझता हूं कि मोदी जी के बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर बड़े आ, वो कहते हैं मोदी डिप्लोमेसी जो है अभी भारत का का भारत अमेरिका से अभी वो कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं जेट इंजन असेंबल करने के लिए वहां पे यहाँ पे ये जो राफेल है Uh, ये दासू ऑर्गेनाइजेशन uh, है फ्रांस uh, की और अलायंस जो है भारत की है ये मिलकर करेंगे uh, बनाएंगे इनको इनके काफी तैयारे uh, काफी इक्विपमेंट जो इन, इन तैयारों के वो भारत के अंदर असेंबल होंगे 51 परसेंट उस uh, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो लिमिटेड उन्होंने कंपनी बनाई है उसके 51 परसेंट शेयर जो है अलायंस के uh, और उसके बाद uh, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा पहले तो हम uh, ये छब्बीस राइफल तैयारों की बात कर रहे हैं छत्तीस पहले ले चुके हैं

अब ये जो तैयारे लिए जा रहे हैं ये जो शिप कैरियर है वहां से ये उड़ने की रखते हैं एक तो यहाँ पे जो फ्रेंच थिंक है है उनके साथ मुलाकातें होनी कुछ ऑफिशियल मुलाकातें होनी है जिसमें कुछ एग्रीमेंट भी साइन किया जाएगा तो मेरे ख्याल में जो आज का दिन है वो इंडिया भारत दोस्ती के हवाले से बहुत अहम दिन है देखिए ये जो परेड होता है ये हर साल होता है और इसमें हम देखते हैं कि बहुत से ममालिक जो दूसरे ममालिक होते हैं और वो भी इसमें शरीक होते हैं इस दफा जो परेड की खास बात यह थी कि इस दफा इंडियन जो अफवाज के जो पंजाब रेजिमेंट के जो दस्ते थे वो भी इसमें मौजूद थे इसमें बल्कि जो हमने देखा है कि जो इनकी जो खातिन जो दस्ते थे वो भी इंडिया से जो आए थे वो भी दस्तों में मौजूद हमने देखा कि इंडियन दस्तों में खवतिन की तादाद भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी इसके अलावा जो राफेल तैयार हैं जो कि इंडिया को दिए गए उन्होंने भी जो है फ्लाई पास्ट किया